हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसके हम दो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनमें स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज के इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वैदिक एज का जो टाइम लाइन था ना, टाइम लाइन 1500 BC से लेके और सिक्स्थ सेंचुरी BC तक इसका टाइम लाइन है, मतलब वैदिक एज का। एंड आर्यन पीपल स्पीकिंग इंडो आर्यन लैंग्वेज, तो इस टाइम पे जो इंडिया में जो है आर्यंस, मतलब एज ए पास्टरलिस्ट आर कमिंग इन इंडिया एंड केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये सेंट्रल एशिया से आए थे जो आर्यंस थे, एंड नोमाडिक पास्टरलिस्ट थे। दे डू नॉट सेटल, दे आर नॉट सेटल्ड एंड मूव अराउंड दी फॉर बेटर बेटर पास्चर फॉर देयर केटल। एंड आर्यंस आर लिंग्विस्टिक ग्रुप, इट इज देयर लैंग्वेज दैट देयर इंटीग्रेटेड फीचर। एंड दे ऑल्सो कम टू इंडिया आर कॉल्ड इंडो आर्यंस। तो इनकी लैंग्वेज सेम थी, सेम लैंग्वेज बोलते थे। एंड दे हैव लेफ्ट देयर अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेदास, लाइक ऋग्वेदा एंड द फर्स्ट फर्स्ट इन द वेदास। एंड द अर्ली वैदिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऋग्वेदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है उसको ऋग्वेदिक एज भी बोलते हैं। एंड द दे रॉट ए लॉट ऑफ हाइंड्स एंड दैट प्रेस द रिवर एंड सेटल्ड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने काफ़ी सारी हाइंड्स लिखी ऑन द रिवर्स एंड उस कहाँ पे सेटल हुए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वो सेटल्ड हुए थे, मतलब सेटल्ड हो गए थे धीरे धीरे। एंड आर्यंस आर नोमैडिक पास्टरलिस्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड केटल वाज देयर मैन वेल्थ। जो आर्यंस थे उनके लिए जो मैन वेल्थ था वो क्या था, केटल। एंड दे आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर्स। और वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मतलब सर्च कर रहे थे, जहाँ पे अच्छा पास्चर, मतलब उनके जो केटल्स थे उनको फीड करने के लिए जहाँ पे पास्चर मिल जाए वहीं पे वो सेटल हो रहे थे। एंड द वर्ड आर्यंस स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी दैट स्पोक आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन इज एन टर्म्स यूज फॉर आर्यंस हु रीच्ड इंडिया। और इंडो आर्यंस उन लोगों के लिए सिर्फ यूज़ में लिया जाता है जो लोग इंडिया तक पहुँच चुके थे, मतलब पहुँच चुके थे इंडिया में, आके रहने लग गए थे। एंड देयर हिस्ट्री कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम वेदिक टेक्स्ट विच वर ओरिजिनली ट्रांसफर्ड ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर ऑन लेट एंड लेटर ऑन ऑल्सो इन द रिटन फॉर्म। एंड दे सेटल्ड अराउंड द रिवर, वो रिवर के अराउंड सेटल हुए थे। एंड रॉयट हिम्स प्रेज ऑफ रिवर्स। यहाँ पे रिवर एंड देयर वैदिक नेम्स, यहाँ पे रिवर्स के बारे में जानेंगे हम, कौन कौन सी रिवर को क्या नाम से वैदिक एज में क्या क्या नाम से बुलाते थे। जैसे इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को बिस्ताशा, बियास्ता एंड चेनाब को अक्षिणी, रावी को पारुषिमी, बियास को बिपाशा, सतलज को सुतुद्री एंड सरस्वती को नंदी तारना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम थे रिवर्स के उस टाइम वैदिक एज में बोलते थे। अब यहाँ की पॉलिटी के बारे में जाने, तो पॉलिटी कैसी थी। द अर्ली वैदिक पॉलिटी वाज ट्राइबल इन नेचर इन विद स्मॉलर ग्रुप्स मूव अराउंड अराउंड विदाउट टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो अर्ली वैदिक एज में मतलब जो स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स थे, ग्रुप्स थे लोगों के, जो कि विदाउट ए टेरिटोरियल आइडेंटिटी वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। एंड दे डिफीटेड द इंडिजीनियस पीपल बाई द यूजेज ऑफ देयर सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल। और उन लोगों ने जो इंडिजीनियस पीपल थे ना, उनको मतलब डिफीट कर दिया था विद
बाई यूजिंग देयर ब्रॉन्ज टूल, ब्रॉन्ज के जो टूल्स थे उनके, एंड यूज ऑफ हॉर्सेस, चैरियट्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो इस कारण जो है वो इंडिजिनियस लोगों को डिफीट करने में मतलब सक्षम रहे थे। एंड एट द स्टेज ऑफ द ट्राइब्स वेर एट वॉर एक्वायरिंग मोर केटल एंड नोट लैंड, जो एट दिस स्टेज जो ट्राइब्स थे ना वो लैंड को अक्वायर नहीं कर रहे थे ज़्यादा, युद्ध में मतलब केटल को अक्वायर कर रहे थे। केटल उनका जो मेन वेल्थ थी वो केटल थी। एंड देर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी एंड कोई फिक्स आर्मी भी नहीं थी। एंड ऑल दी मेम्बर्स ऑफ द विलेज यूज टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर्स, जो विलेज के ऑल द मेम्बर्स थे वो सारे मेम्बर्स यूज पार्टिसिपेट करते थे वॉर में, अब वॉर वगैरह जब भी होता था तो। एंड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड लाइफ लाइफ बिकम मोर सेटल्ड एंड ए मोर ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन कम कैम आउट। एंड यहाँ पे किंग को क्या बोलते थे, राजन। अर्लियर ही वॉज इलेक्टेड, मतलब जो किंग है ये पहले तो इसको इलेक्ट किया जाता था ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो किंग की पोजीशन है ये हेरिडेटरी हो गई, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसे हो गया था। एंड प्रेस्ट पुरोहित एडवाइजरी रोल टुवार्ड्स द किंग, जो पुरोहित होते थे वो किंग को एडवाइस देते थे, मतलब जो भी रिचुअल्स वगैरह करवाने होते थे तो किंग को एडवाइस देते थे उस टाइम। एंड जना जनक एक ग्रुप ऑफ लोगों को, मतलब यहाँ पर जना बोला गया है, एंड हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, हेडमैन ऑफ द विलेज ग्रामीणी। असेंबलीज ऑफ पीपल जिसको बोलते समिति, एंड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल इन द समिति सभा, बोथ मैन एंड वुमेन वुड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द सभा एंड समिति इन द अर्ली वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ना जो सभा और समिति में जो आदमी एंड औरत दोनों मतलब पार्टिसिपेट किया करते थे जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी उसमें। एंड फैमिली को क्या बोलते थे, कुल। ग्रुप ऑफ विलेजेस और क्लैन इसको बोलते थे बेस। सोसाइटी वर्णा सिस्टम इज देयर आर फोर वर्णा। एक तो ब्राह्मण्स, देयर रोल इज टू टीचिंग एंड परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। तो ब्राह्मण का जो मेन काम क्या होता था उस टाइम, टीचिंग एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स। एंड क्षत्रिय जो भी युद्ध वगैरह लड़ते थे वो क्षत्रिय लड़ते थे, मतलब सपोज टू फाइटिंग एंड द बैटल। एंड द वेश्याज जो होते थे वो प्रोड्यूसिंग क्लास विच इंक्लूड फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा, ये वेश्याज कैटेगरी में ये आते थे। एंड शूद्रा, शूद्रा लोग कौन थे, जो जो अदर थ्री कैटेगरीज है ना इनको ये सर्व करते थे, मतलब ये शूद्रा सबसे मतलब बोल सकते हैं हम उस टाइम पे सबसे पिछड़ी हुई ग्रुप ग्रुप था, मतलब इन तीनों को सर्व करता था शूद्रा जो होते थे ना। एंड इन दी अर्ली वैदिक एज दी वर्णा सिस्टम शोड फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, इन दी लेटर वैदिक एज दिस सिस्टम बिकम रिजिड एंड हेरिडेटरी। आश्रम सिस्टम, द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज डिवाइडेड इंटू फोर फेजेस। पहला ब्रह्मचार्य, दी लर्निंग फेज टू स्टडी एंड गेन दी नॉलेज, मतलब लर्निंग फेज और जो भी नॉलेज वगैरह गेन करते थे उस टाइम पीरियड को बोला गया ब्रह्मचर्या। एंड गृहस्थिका किसे बोला गया, जब उसकी शादी हो जाती थी तो लीडिंग ए लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर। एंड वानप्रस्था, लीव दी फैमिली एंड लिव इन दी फॉरेस्ट। एंड संन्यासा, द लाइफ ऑफ रेनन्सिएशन एंड ब्रेकिंग ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स। रिलीजन, नेचर ऑफ वर्शिप वॉज प्रीडोमिनेंट इन दी लाइफ
natural forces were given at the name of the gods Indra and Parandra, rain and storm, Agni and fire, Varun water. The rituals and ceremonies were performed through the yagnas and offering sacrifices. The concept of divine monarchy was strengthened by these religious ceremonies. Religion, Ashwamedha, so it was performed for territory. तो अश्वमेध यज्ञ था, ये territorial extension के लिए परफॉर्म किया जाता था। इसमें क्या करते थे कि एक हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था, अब वो जिसकी भी टेरिटरी में होके वो घूम घूम के निकलेगा जो हॉर्स, तो उस जो वहाँ का जो किंग होगा, और जो हॉर्स जिसने छुड़ा है तो वहाँ का किंग, जो हॉर्स जिसने हॉर्स हॉर्स सेक्रीफाइस किया है उसके उसको सुपीरियर मानना पड़ेगा, मतलब उसको एक तरीके से। अगर नहीं मानेगा तो उसको फिर उसके अगेंस्ट वॉर लड़ना पड़ेगा। एंड दी राजाश्व परफॉर्म एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन ऑफ द किंग, एंड बाजापाया परफॉर्म टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द किंग। पोजीशन ऑफ वोमेन, इन द अर्ली वैदिक एज वुमेन इंजॉयड रेस्पेक्ट एंड वर वेलकम्ड इन द सोसाइटी थ्रू द फैमिली एंड वाज पैट्रियार्कियल, एंड द दे वर गिवन एजुकेशन एंड कुड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द सभा एंड समिति। ड्यूरिंग फीमेल पोइट्स लाइक लोपामुद्रा वर नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड द डॉटर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द बर्थ ऑफ वुमेन वॉज कंसिडर्ड टू बी ए कर्स। हाउएवर हर पोजिशन डिक्लाइन इन द सोसाइटी, जो वुमेन की पोजिशन डिक्लाइन हो गई थी सोसाइटी में, एंड कुड नो लॉन्गर टू पार्टिसिपेट इन द सभा एंड समिति, और पहले वो सभा एंड समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन अभी वो सभा एंड समिति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इवन दिस टाइम एबल प्रैक्टिसेस लाइक ड्राउरी, सती एंड चाइल्ड मैरिज वर नॉट नोन। इकोनॉमी, पास्टरल इकोनॉमी विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर स्टेज, विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इमर्ज विद क्रॉप्स एंड व्हीट बार्ले राइस। तो पास्टरल इकोनॉमी मेनली थी उस टाइम, जो डोमेस्टिकेट करते थे लोग बाग एनिमल्स को, एंड मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक स्टेज क्या थे, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर धीरे धीरे मर्ज हुआ, तो कौन कौन सी क्रॉप वो उगाते थे, क्रॉप्स लाइक वीट वारले एंड राइस, एंड बाली एंड बागा स्टार्टेड टू एज ए फॉर्म ऑफ द वॉलेंट्री ऑफरिंग बट लेटर बिकम ए रेगुलर टैक्स। रोल ऑफ आयरन, ए 1000 BC, दिस 1000 BC के टाइम की बात है, रोल ऑफ आयरन, एंड दिस वॉज ए माइल स्टोन फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन एज इट ग्रेटली इम्पेक्टेड मैनी एस्पेक्ट ऑफ मैंस लाइफ। इट हेल्प टू मेक आयरन एक्सेस विच वर, जो आयरन 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 से जो आयरन एक्सेस कुल्हाड़ी बनाने के काम में ये देते थे, एंड फॉरेस्ट को क्लियर किया जा सकता ईजीली फिर उससे, एंड मेकिंग प्लेस फॉर सेटलमेंट, फाइनली सेटलमेंट के लिए जगह खाली करना एक तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर करके। आयरन प्लाव यूज किए गए थे इस टाइम पे, पहले जो IBC के टाइम पे, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन टाइम पे वुडन प्लाव थे, अभी यहाँ पे आयरन प्लाव जो है यूज किए गए, एंड कुड बी यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर
जो कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंड करने के लिए जो आई एम प्लाव वो यूज किए जा रहे थे। एंड ए न्यू क्लास ऑफ द वेपनिंग इमर्ज विच हेल्प इन वॉर एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन। आयरन वर यूज्ड इन चैरियट्स। आयरन का यूज कहाँ पे होता था? चैरियट्स में, कार्ट्स, इम्प्रूविंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अर्ली वैदिक एज की वो टाइमलाइन है 1500 BC टू 1000 BC तक। एंड पास्चरल फ्लेक्सिबल थी उस टाइम। एंड वर्णा सिस्टम था, क्षत्रिय वर डोमिनेंट एंड वुमेन वर रेस्पेक्टेड। डेमोक्रेटिक रूल ऑफ द किंग एंड दी रोल ऑफ समिति एंड सभाबाद इम्पोर्टेंट। केटल वर दी मैन वेल्थ वाली एंड वागा करके जो टैक्सेस थे। एंड लेटर वैदिक एज में 1000 BC टू 600 BC ये इसकी टाइमलाइन है। एंड ये सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गया था इस टाइम पे। एंड रिजिड एंड हेरिडेटरी वर्णा सिस्टम एंड ब्राह्म मतलब रिजिड एंड हेरिडेटरी वर्णा सिस्टम मतलब जिसको जो काम फिक्स है ना, मतलब जैसे कुमार का बेटा कुमार ही बनेगा, इस तरीके से रिजिड हो गया था मतलब जो वर्ण सिस्टम था ना ये। एंड ब्राह्मण्स वर डोमिनेंट एंड वुमेन्स वर कंसिडर्ड टू बी कर्स एंड द किंग्स पोजिशन बिकम हेरिडेटरी। और यहाँ पे जो किंग की पोजिशन है वो हेरिडेटरी बन गई, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एंड द रोल ऑफ द सभा एंड समिति रिड्यूस, जो सभा एंड समिति का रोल था वो रिड्यूस हो गया था। एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड रेगुलर टैक्सेशन। पोस्ट वैदिक एज यह है 600 से 400 BC। दिस वाज द एज ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द इमर्जेंस। तो यहाँ पे जो दिस वॉज द एज ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स अगेन आफ्टर IVC मेक दिस द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। और ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बाद सेकेंड टाइम दोबारा जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा था। विद द कमिंग ऑफ द आयरन एग्रीकल्चरल सरप्लस वाज जनरेटेड एंड द एनिमल फोर्स यूज टू पुल द आयरन एंड प्लाउ इंक्रीज द एग्रीकल्चरल आउटपुट। जो आयरन प्लाउ से जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा था फिर धीरे धीरे। पोस्ट वैदिक एज में जो द यूज ऑफ आयरन ऑल्सो ओपन द एवेन्यू फॉर वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट। दी डिफरेंट काइंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दिस वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। एज जनपदाज बिकम लार्जर विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन दे अचीव द स्टेटस ऑफ महाजनपदाज। जो जनपदाज थे वो भी धीरे धीरे बड़े होते गए एंड वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे थे महाजनपदाज में। थ्री पॉलिटिकल सिस्टम वर सीन इन दी महाजनपदाज। मोनार्की, गणा और संघा एंड रिपब्लिक। तो मोनार्की में क्या होता था, जो एक पर्सन का रूल होता था सिर्फ, जो राजा किंग होता था उसका। एंड एग्जाम्पल मगध, ऐसे किंगडम था एक। एंड गण और संघ जो होते थे उसमें ओलिगार्ची एंड रूल ऑफ कुछ लोगों का, एक ग्रुप ऑफ लोगों का रूल होता था, मतलब वो रूल करते थे। एग्जाम्पल बज्जी। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक में द रूल ऑफ द होल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल साक्यास एंड लिच्छवी। महाजनपदा
राइज ऑफ मगध, इट इज द एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन ऑफ द रिवर गंगा। जो मगध है, मगध जो प्रेजेंट डे बिहार, जो ये फर्टाइल, यहाँ पर मतलब फर्टाइल लैंड थी क्योंकि रिवर रिवर गंगा के का जो आसपास थे सारे एरिया, तो यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल थी, प्लेन थी, एंड इट हैज़ एम्पल सप्लाई ऑफ पानी भी यहाँ पे सफिशियंट था, विच हेल्प्स इन एग्रीकल्चर, एंड प्रेजेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू विच गिव्स ईजी एक्सेस टू आयरन एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट्स लाइक तमारापट्टी हेल्प इन हैविंग एक्सेस टू ट्रेड, एंड द कैपिटल ऑफ मगध मगध राजगृह वाज सराउंडेड बाय फाइव हिल्स मेकिंग इट्स लोकेशन वेरी स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्टेड, एंड एलिफेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट वर इंक्लूडेड इन आर्मी, एंड जो एलिफेंट को फॉरेस्ट में जो एलिफेंट थे उनको मतलब आर्मी में इंक्लूड किया गया धीरे धीरे, एंड टू आउट विद द राइवल्स, एंड द रूलर्स ऑफ द मगध वर प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल इन सोशियो कल्चरल आउटलुक, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनार्की मेड द डिसीजन मेकिंग सिंपल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।